भारत को यह बताना चाहता हूं और वहां सूफी खान का जैसे जो बेगैरत बेहमियत लोगों के इदारे हैं, वो नाम निहाद मुस्लिम जो हिंदुओं की गोद में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ भौंक रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जुबान पे जलाली चढ़ा हुआ है कि जलाली ने ये करवा दिया, जलाली ने ये करवा दिया, जलाली ने ये करवा दिया, हजार बार मेरा नाम लो। और मैं कहता हूं जो कुछ वहां हो रहा है उसे रोक नहीं सकोगे जो मुसलमान कर रहे हैं। अगर तुम तौहीद से बाज ना आए तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाल्लाह। चलो वो जो बुतों के पुजारी हैं मूत पीने वाले, उनका तो गुस्से में आना समझ आता है कि वो कमीने मलून काफिर हैं, लेकिन ये भौंके कोई कहते मैं फलां गद्दी नशीन हूं, मैं फलां जगह का सजादा नशीन हूं, मैं फलां सूखी हूं, ऐसे तसव्वुफ को रहमानी नहीं शैतानी तसव्वुफ कहा जाएगा कि जो नामूसे रिसालत के मसले पे आके बुतों के साथ मिल जा। और मैं सीना तान के कह रहा हूं मोदी सुनो, तुम हमें मुतशद्दिद कहते हो तो हमें तो ये शर्फ कुरान ने दिया है, वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है बुतों के पुजारी बुतों से वो प्यार नहीं करते जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से प्यार करते हैं। ये कौन है? सिर्फ शदीद ही नहीं, ये अशद हैं। अल्लाह और नबी के मतवाले क्या हैं? अशद हैं। ये कुरान है अशद हुब्बन लिल्लाह। अशद तो ये वहां बैठ के समझते कि हम इनको कहेंगे ये मुतशद्दिद हैं, ये हैं वो हैं, तो ये सुखड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं हैं। मैं कहता हूं हम तो अशद हैं। वल्लज़ीन आमनु अशद हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले जो प्यार कर सकते हैं अल्लाह से, बुतों के पुजारी नहीं कर सकते। और ईमान वाले जो इश्क कर सकते हैं माह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बुतों के पुजारी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। अशद होना ये कुरान है, अशद होना मुसलमान की शान है। और मैं कुर्बान जाऊं हिंद के उन गाजियों पे, उन शेरों पे, उन आशिकों पे जो आज हिंदुओं के सीने के चढ़ पर भी कह रहे हैं कि मौत तो कबूल कर लेंगे मगर अपने सामने महबूब की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो भारत की हुकूमत ने उनके मकान गिराए, मिलियामेट कर दिए, बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। इस भारतीय मलून हुकूमत ने लॉकडाउन किया कश्मीर में, बेसिक नीड्स बुनियादी हुकूक पे पाबंदियां लगा दी, वो बर्दाश्त कर गए। किसी एक ने भी दीन नहीं बदला कि अगर उधर आ जाऊं तो मौज है तो फिर मैं उधर आ जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम दीन मोहम्मद के सिपाही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पाबंदी लगाते हो लगाओ, हम उन्हीं के गुलाम रहेंगे। हिजाब पे पाबंदी लगी, हर तरह से उनको बाउंड किया गया, वो बेचारे बर्दाश्त करते गए, बर्दाश्त करते गए, बर्दाश्त करते गए। लेकिन आज वो बोल पड़े, उन्होंने कहा ये बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी, तौहीन नबी बर्दाश्त नहीं होगी, ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी, हम जान दे देंगे, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं ये कहता हूं हमारी तो ड्यूटी है, बोलते हैं और उधर भी सुना जाता है, लेकिन सुनो असल में
हम सबब नहीं, हम कोई मुदाखलत नहीं कर रहे वहां पे। ये नहीं कि मुदाखलत से हम भागेंगे कि ना करें। अगर कोई हमारी सुन रहा है तो हमारी सुन के बेदार हो जाए, और अल्लाह का फजल है लोग सुनते हैं। मगर मैं उनको बताना चाहता हूँ, वहाँ कमीने चैनलों पे बैठ के जो लड़ा रहे हैं, सोचें ये है फलां उसने वो तकरीर की, इधर ये हो गया उधर वो हो गया, मैं कहता हूँ कमीनों तुम्हें पता नहीं, जिनके लिए वो निकलते हैं जैसे वो अशरफ आसिफ जलाली के नबी हैं, ऐसे वहाँ के गाजियों के भी नबी हैं। यहाँ वालों को जरूरत ही नहीं, उनका अपना रिश्ता है। वो नबी हुदूद और कयूद में उनकी मोहब्बत को तकसीम किया ही नहीं जा सकता। वो आसमान पे चांद की तरह चमक रहे हैं, बॉर्डर सारे तो नीचे रह जाते हैं। यहां आर वाले पार वाले, दाएं वाले बाएं वाले, शर्क वाले गर्ब वाले उस चांद को देखते हैं और सर हथेली पे रख के निकल आते हैं। एक ही वजह है। दूसरी, जिस कुरान को पढ़ के हम तड़पते हैं, यही तो हिंद के मुसलमानों के घर भी है। अरे मोदी, यही वाला कुरान, हूबहू यही कुरान जो हमें तड़पाता है वो उन्हें भी तड़पाता है, जिसे पढ़कर हम तहफ्फुज़े नमूसे रिसालत के लिए निकलते हैं, उसे ही पढ़ के वो भी तहफ्फुज़े नमूसे रिसालत के लिए निकलते हैं। करोड़ों जलाली आएंगे चले जाएंगे, मगर फिर भी कुरान लोगों को महबूब का पैगाम देता रहेगा। उनकी एजेंसियां ये नतीजा निकाल रही हैं कि फलां की तकरीर भी ना सुनने दी जाए, फलां की भी ना सुनने दी जाए, फलां व्हाट्सएप नंबर वो देखे जाएं, फलां पर पाबंदी लगाई जाए। तो मैं उनको बताता हूं, भला कुरान पे पाबंदी कौन लगाएगा? ये तहरीक तो वहां से चली है, इस तहरीक का ओरिजिन वो है। और अगर तुम कुरान पे पाबंदी लगाओगे तो जिस दिन लगाओगे उसकी शाम से पहले इंडिया से भागोगे, दुनिया में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा एक ही हल है, एक ही और सिर्फ एक ही, कि अगर दुनिया में रहना है तो फिर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम जरूर करना पड़ेगा।